अस्सलामु अलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बीरा रानी। मैं हूँ बीरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बीरा रानी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे थे मैं चपली कबाब बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। बीफ कीमा लिया है मैंने 1/2 kg, 1 टोमेटो लिया है मैंने जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 मीडियम ऑनियन, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड 2 eggs। सो फ्रेंड्स, आपने देख लिया चपली कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो चले आएँ अब हम अपने ज़बरदस्त से चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चॉपर लिया है जिसमें सबसे पहले हम कीमा ऐड करेंगे। तो कीमा हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ऑनियन ऐड करेंगे, टोमेटोज ऐड करेंगे और कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे, 1 egg ऐड करेंगे। सो अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो अब हमारे सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चॉप हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हमारे चपली कबाब का मटेरियल रेडी हुआ है। तो चले आए अब अपने चपली कबाब रेडी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था, कॉर्नफ्लोर यानी छली का आटा लिया है हमने, हम इसमें वो ऐड करेंगे। एकदम हम सारा ऐड नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें सम कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे और टोमेटो ऐड करेंगे। अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो कॉर्नफ्लोर हम और ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इनको। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और चपली कबाब रेडी करना स्टार्ट करेंगे। हमने इसमें सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, इससे हमारे चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो हमारे चपली कबाब रेडी हो चुके हैं, तो चले आएँ अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें अराउंड 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। इसमें हम अपने चपली कबाब फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम एक स्लाइस टोमेटो का रख देंगे जो कि मैंने राउंड कट किया हुआ है, इससे हमारे चपली कबाब बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। याद रहे आप चपली कबाब जब भी बनाएं उनका साइज थोड़ा बड़ा रखें, क्योंकि ये तवे पर जाकर खुद थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। हमें इनको थोड़ा डार्क फ्राई करना होता है क्योंकि हमें अपना बीफ अच्छे से टेंडर करना होता है। तो अब हमारे चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो चपली कबाब को आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, इस तरह से आप इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चपली कबाब की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद बीरा रानी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, आज की अच्छी बात जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अल्लाह के खौफ में गिरने वाला एक आंसू क्यों ना वो छोटा ही हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।